नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में गीता जयंती के दूसरे दिन आज कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सिरसा सीट से सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। सुनीता दुग्गल ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा गीता जयंती में लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया और मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता दुग्गल ने प्रदेश में गीता जयंती के सफल कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बधाई दी और उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हमारी सांस्कृतिक से रूबरू करवाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम में प्राली से स्वागत द्वार बनाए गए हैं और इससे अच्छा कार्यक्रम और क्या हो सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता दुग्गल ने उन्नाव रेप मामले में भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका को भी इस तरह के फैसलों में तेजी लानी चाहिए ताकि ऐसे कृत्य कार्य करने वाले लोगों को जल्दी और सख्त सजा मिले। और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन और न्यायपालिका ऐसे मामलों को लेकर सख्त कदम उठाएगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल से विशेष रिपोर्ट। देखिए, ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है हम सब लोग हरियाणा में, पूरे हरियाणा में मना रहे हैं और जिसको पूरे विश्व स्तर पर मना रहे हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को और हमारे गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज को, क्योंकि उनके ही इनिशिएटिव से ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वो आजकल मनाया जा रहा है और ये चौथा है जिसमें हर ज़िले पर ये निर्धारित किया गया है कि 6 से लेकर 8 तारीख तक जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाए और सबको अपनी जो हमारी भारत की पुरानी संस्कृति है उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। और क्योंकि जब तक हमारे नैतिक मूल्य, हमारी संस्कृति हमारे साथ नहीं रहेगी तब तक किसी समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके प्रयास से ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सब जिलों में मनाया जा रहा है और सब इसमें बहुत जोर शोर से भाग ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, आप देखिए कि पराली से ये द्वार बनाए गए हैं, इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी महिलाएं हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। आयुष योजना के तहत जो डिपार्टमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो हमारी जड़ें हैं, हम जड़ों से जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के तहत। तो मुझे बहुत बहुत इस बात की खुशी और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिलाओं पर भी आज एक बच्ची ने दम तोड़ दिया है, उनके साथ गैंग रेप कर चलाया गया था। देखिए, जो भी इस तरह के अपराधी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा होनी चाहिए, इसके सिवा और कोई सजा मंजूर नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है। काफी बवाल, बिल्कुल 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 आवाज उठाई गई और सब एक मत है कि जो हमारी न्याय प्रणाली है वो थोड़ा सा और अगर तेजी लेकर आए और जो भी इस तरह के अपराधी हैं उन पर अगर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो मुझे लगता है कि जो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के जो इंसान हैं उन लोगों को एक सबक मिलेगा और ये उसकी पुनरावृत्ति होने के जो हैं वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि इसमें आगे जो है वो न्याय प्रणाली और सख्त होगी और शासन प्रशासन जो है वो और सख्ती करेगा ताकि हमारी बेटियाँ जो हैं वो सुरक्षित रहें।